मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा मार्ग पर नेमप्लेट के विवाद के साथ ही इस बार कांवड़ियों का उग्र रूप लगातार नजर आने के बीच अब सावन माह की कांवड़ यात्रा को आतंकवादी हमलों की आशंकाओं से बचाने के लिए आतंकवादी निरोधक दस्ता यहां भेजा गया है। शनिवार को डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी और एसएसपी अभिषेक सिंह ने शिव चौक और इससे जुड़े एरिया की सुरक्षा पूरी तरह से एटीएस स्पॉट कमांडो दल को सौंप दी है। एसएसपी ने एटीएस के कमांडो को शिव चौक पर ब्रीफ किया और फिर डीएम और एसएसपी ने कमांडो को साथ लेकर शिव चौक के आसपास फ्लैग मार्च किया। इसके साथ ही कमांडो को शिव मूर्ति के आसपास की पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात कर दिया गया। कांवड़ यात्रा चल रही है, इसके संबंध में हमने फुल प्रूफ सिक्योरिटी का प्लान किया है। किसी भी प्रकार के आतंकवादी घटना से निपटने के लिए एटीएस हेडक्वार्टर से एटीएस की स्पॉट कमांडो टीम को डिप्लॉय करने का अनुरोध किया गया था, उसी के चलते कल ये टीम यहाँ पर पहुंची है। आज शिव चौक जो हमारा मेन फोकल पॉइंट है, जहाँ से दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आदि जगहों से आने वाले सारे कांवड़िया इस पवित्र स्थल पर आज की परिक्रमा करके जाते हैं, इस एरिया को हमने एटीएस की कमांडो टीम को हैंडओवर किया है। अभी फिलहाल वो इसका सिक्योरिटी ऑडिट कर रहे हैं और इसके बाद वो इस पूरे इलाके को कवर करके इसमें एक ऐसी फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे, किसी प्रकार का भी यदि कोई आतंकवादी हमला होता है तो उससे हम तत्काल निपट सकेंगे।